नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरिया प्रखंड स्थित राजशाही रिसोर्ट में आज दिनांक 25 दिसंबर 2021 को झारखंड कुशवाहा महासभा का तृतीय राज्य सम्मेलन आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में सैकड़ों कुशवाहा समाज की महिलाओं व बच्चे पुरुष उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। महासभा का प्रतिवेदन महासचिव सत्यदेव प्रसाद वर्मा ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि महासभा 8 साल के कार्यकाल में आज झारखंड के 21 जिलों से जुड़कर संगठन मजबूत हुआ है। समाज के चौमुखी विकास के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन जोड़ दिया गया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो ने महासम्मेलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि महासभा आगामी वर्षों में नशा मुक्त समाज, बाल विवाह, कड़वा विवाह, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, विवाह विच्छेदन वाले सामाजिक कुरीतियों को मिटाने, विवाह व शतकर्म आदि संस्कार में होने वाले फिजूल खर्ची को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिला उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करेगी। बेरोजगार युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने हेतु लघु कुटीर उद्योग आदि स्थापना के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहित करेगी। संगठन कृषि विकास हेतु उन्नत किस्म के बीज व वैज्ञानिक तरीके से कृषि और कृषि मेले के आयोजन करते हुए व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों से समाज की भागीदारी, पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने व जाति आधारित जनगणना कराने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से करेगी। सभा के माध्यम से पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने प्रदेश कमेटी का गठन करते हुए पुनः पुराने और नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की। महासभा द्वारा आयोजित तृतीय राज्य सम्मेलन गिरिडीह सरिया में आहूत की गई, जिसमें झारखंड कुशवाहा महासभा के द्वारा सामाजिक प्रस्ताव लाया गया, जिन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित करते हुए राज्य में अमल में लाने का सबों ने संकल्प लिया और समर्थन दिया। इसमें सामाजिक शैक्षणिक प्रस्ताव, संगठनात्मक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव, सांस्कृतिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इन प्रस्ताव को इस उद्देश्य से लाया गया है कि कोई भी समाज, चाहे वो कुशवाहा समाज हो या कोई भी समाज हो, भारत के अंदर में सभी समाजों के बीच में कुछ ना कुछ खामियां रहता है, कुछ ना कुछ सामाजिक त्रुटियां रहता है। हम सबों ने संकल्प लिया है कि इस त्रुटियों को हमें अपने समाज में झारखंड कुशवाहा महासभा के संगठनात्मक ताकत से हम इन त्रुटियों को दूर करेंगे। एक आदर्श समाज का रचना करने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया। आज हमें बड़ा गौरव हो रहा है कि झारखंड प्रदेश के 24 जिलों में 21 जिला में हम कुशवाहा बहुल हमारा जिला है, 3 जिला में हम आंशिक रूप से हैं और झारखंड कुशवाहा महासभा आज 21 जिला में संगठन को मकम्मल रूप से बनाकर और सभी जिलाओं के प्रतिनिधि आए और आने के बाद कुशवाहा में एक हौसला जगा है, एक उम्मीद जगा है। कुशवाहा समाज के सभी पदाधिकारियों के संकल्प ये रहा है कि आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है, सभी प्रदेश के सभी साथियों ने, सभी संगठनकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है, जिस प्रस्ताव को सर जमीन पर हम लोग उतारेंगे। झारखंड कुशवाहा महासभा के द्वारा एक दिवसीय तृतीय राज्य सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसमें हम लोगों ने शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयों का प्रस्ताव लाया, जो सर समिति से लोग इन्हें स्वीकार किए और इसको जमीन पर उतारने के लिए हम लोग एक साथ एक स्वर में अपना संकल्प लिए। आगे जो झारखंड कुशवाहा महासभा का उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को सामाजिक स्तर पर दहेज और साथ ही साथ नारी के साथ प्रताड़ना और अपने जो युवा संगठन है उसको आगे बढ़ाने का हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहेगा। साथ ही साथ हम लोग ये प्रस्ताव में लाए हैं कि खर्चीली शादी, जिसमें बहुत ज़्यादातर लोगों को मीट मछली और उसको हम लोग हटाकर शाकाहार भोजन में बदलें, और जो दहेज की बात है तो दहेज में हम लोग रोक लगावें, उसका एक सीमा तय करें और उसी के अनुकूल हम लोग आगे बढ़ें, और महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज, सरिया।